चैनल कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम दांत निकाल के स्माइल कर रहे होंगे, क्योंकि हम सबको हमेशा खुश रहना चाहिए और हमेशा स्माइल करते रहना चाहिए भले ही कैसी भी सिचुएशन हो। बहुत सारा मोटिवेशन दे दिया मैंने, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की। आज की वीडियो है थोड़ी सी अलग, मतलब आज एक हॉल वीडियो है, बट आज कोई क्लोदिंग हॉल नहीं होने वाला है और कोई फुटवेयर का हॉल नहीं होने वाला है। आज होने वाला है आज होने वाला है गहने, मतलब असली वाले नहीं है, बट ये है थोड़े आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो मैंने मंगवाई है, क्योंकि मेरे घर पे एक रिलेटिव की शादी भी है एंड और भी बहुत सारी शादियां आ रही हैं। आई होप आप लोगों के घर पे भी कोई ना किसी की पक्का शादी होगी, या आप में से किसी की शादी है तो बताओ जल्दी जल्दी, हम सब आपको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। बट अभी आ गया है एकदम पीक शादी वाला सीजन, जिसमें हम सबको चाहिए होती है हमारी आउटफिट से मैचिंग ज्वेलरीज। तो मैं जो पहनने वाली हूँ और जो रिया दी पहनने वाली है, हम दोनों ने उस हिसाब से मैचिंग ज्वेलरीज मंगवाई है अमेजोन से, जहाँ पे अमेजिंग ऑफर्स चलते रहते हैं, ऑफर्स। तो सारी लिंक्स जो हैं प्रोडक्ट के विथ अमेजोन के अमेजिंग ऑफर्स, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग चेक करना। मैं आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ थ्री थिंग्स जो मैंने ऑर्डर की है अमेजोन से, एंड मैं पहले झलक दिखा दे रही हूँ, ठीक है, झलक दिखला, ठीक है, मतलब मैं पहले झलक दिखला देती हूँ आप लोगों को। एक ये मंगवाया है एंड दीज टू इयररिंग्स जो मैंने मंगवाई हैं, ये तीन चीज़ें मंगवाई हैं मैंने अमेजोन से, एक एक करके आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने खुद भी ये अभी तक खोला नहीं है, ये एक चोकर सेट है जो कि मैंने पहली बार मंगवाया है, कुछ ऐसा अपनी लाइफ में पहली बार मंगवाया है। इसी से स्टार्ट करते हैं, इस चोकर से, एंड ये है फ्रॉम द कंपनी ज़वेरी पर्ल्स, एंड ये बहुत ही ज़्यादा जानी मानी कंपनी है, इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिफिशियल ज्वेलरीज आती हैं एंड ये काफ़ी नोन ब्रांड है, तो इससे मंगवाया है। एंड इसका प्राइस तो यहाँ पे ज़्यादा है, बट अभी डिस्काउंट के बाद काफ़ी रीजनेबल है, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है एंड आप लोगों के साथ ही खोल रही हूँ मैं। ऐसे एक बॉक्स में आता है, सो दैट इज अ गुड थिंग, एंड देन दिस, लेट मी ओपन इट अप। सो गाइज, दिस इज द चोकर जो मैंने मंगवाया है एंड पहन के देखती हूँ कैसा लगेगा। पहले आप लोगों को इयररिंग्स भी दिखा दूँ, बिल्कुल मैचिंग है इयररिंग्स इसके, एंड आई लाइक द फैक्ट कि ये ज़्यादा भारी नहीं है और बहुत ही छोटे से और प्यारे से हैं, तो ये मैं नॉर्मली भी पहन सकती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा चोकर पहनूँ, ये बिना किसी भी ट्रेडिशनल ड्रेस पे चले जाएंगे। यस, एंड इनके साथ ये पीछे में सिक्योर करने के लिए पीछे का जो भी होता है, जो भी बोलो वो है। मैं पहन लेती हूँ एंड देखती हूँ कैसा लग रहा है। गाइज, आप लोग बताना कैसा लग रहा है मेरे ऊपर ये चोकर एंड द इयररिंग्स। एंड इसको पहनने के साथ ही, पहनते ही हम चलते हैं अपने दूसरे प्रोडक्ट पे, जो कि एक इयररिंग है एंड इट इज फ्रॉम द कंपनी येलो शाइम्स, एंड इसको दिखाते हैं। ये बहुत प्रिटी पिंक कलर के इयररिंग्स हैं, झुमका बोलेंगे इनको, झुमका है, ठीक है, एंड ये है वो झुमका, देखो, सो प्रिटी। इसका कलर इतना प्यारा है, लाइक मेरे को तो इसके कलर से ही प्यार हो गया है, बहुत ही प्यारा है। ये पिंक है एंड वाइट है इसके बीच में, एंड ऊपर में थोड़े यहाँ पे स्टोन्स भी हैं, राइट। दिस इज द सेकेंड थिंग जो हमने मंगवाया है एंड ये भी काफ़ी रीजनेबल था, एंड लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप लोग चेक कर सकते हो। अब मैं ये पहन के आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये मेरे ऊपर कैसा लग रहा है। वैसे ये मेरे इस वाले ड्रेस के साथ बहुत अच्छा जाएगा जो मैंने आज पहना हुआ है, सो लेट्स वियर इट एंड शो यू गाइस कि कैसा लगता है। गाइस, ये देख लो कैसा लग रहा है, बताना ये वाली इयररिंग्स कैसे लग रहे हैं, मुझे तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। ये मेरी ड्रेस के साथ भी बहुत अच्छे से जा रहे हैं एंड दीज लुक रियली नाइस।
सो यस, एंड इसको पहनते पहनते हम चलते हैं अपने थर्ड एंड द फाइनल ब्यूटिफुल पीस की तरफ. सो गाइज, दीज आर द थर्ड इयर रिंग्स जो मैंने मंगवाए हैं. एंड ये एक्चुअली मैं ऐसे भारी और इतने बड़े इयर रिंग्स मेरे पास ज़्यादा नहीं है, तो मैंने सोचा कि एंड इनके कलर, इसका कलर ऐसा है कि ये किसी भी ड्रेस के साथ चला जाएगा, ये कोई भी ऐसा एक कलर ओरिएंटेड नहीं है. सो इसलिए मैंने सोचा कि मैं किसी भी ड्रेस के साथ इसको पहन सकती हूँ. सो यस, दीज आर सो प्रिटी. एंड इनको नहीं, चांदबाली इनको नहीं बोलते हैं, चांदबाली और भी बड़ी होती है आई थिंक. सो मेरे को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है इसके बारे में, बट यस, जो लोग थोड़ा जानते हैं वो कमेंट करके बताना कि इनको एकदम एग्जैक्ट क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता. सो दीज आर द थर्ड इयररिंग्स जो हमने मंगवाई है. एकदम ही लाइट, एकदम लाइटेस्ट शेड ऑफ ब्लू होता है ना, वो है यहाँ पे बीच में, एंड बाकी पूरा ये वाइट पर्ल्स हैं, बहुत सुंदर हैं. सो अब इनको पहन के दिखाते हैं आपको भी कैसा लग रहा है. एंड वन मोर थिंग जो मैं बताना चाहती हूँ, इसमें ना ये आप लोगों ने देखा होगा एक चेन होता है जो कि हम अपने बाल से अटैच कर सकते हैं अगर बहुत भारी इयररिंग्स होती हैं, तो वो चेन लगाने के लिए भी ऑप्शन दे रखा है ऊपर में. सो अगर आप चाहो तो आप वो एक चेन भी अटैच कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत भारी है. सो यस, सो गाइज, दीज आर द थर्ड इयररिंग्स एंड द फाइनल थिंग जो हमने मंगवाया है. आप लोग बताना आप लोगों को तीनों में से कौन सा बेस्ट लग रहा है. मुझे तो तीनों के तीनों ही बहुत पसंद हो रहे हैं, एंड मन नहीं कर रहा है कि मैं इनको उतारूँ. भी लग रहा है कि कोई पार्टी में चली जाओ इनको पहन के, बिल्कुल तैयार और बहुत अच्छा फील हो रहा है, एकदम फील गुड हो रहा है. सो दीज आर द थर्ड इयररिंग्स, आप लोग अच्छे से देख लो. सो गाइज, अगर आप में से कोई, इन तीनों में से कोई भी इयररिंग्स या चोकर सेट लेता है तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट्स में आके. मुझे बड़ा ही अच्छा लगेगा जानने में कि आप लोगों ने कौन सा खरीदा एंड आप लोगों को कौन सा पसंद आया, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ही इनकी ओर से निकल ही नहीं पा रही. मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कहीं किसी की शादी में बुला लेते आज तो मैं चली जाती, बट किसी ने बुलाया नहीं है. हाँ, तो अब ये वाली वीडियो यहीं पे एंड करते हैं. ये एक छोटा सा मेरा हैप्पी व्लॉग, हैप्पी हॉल था जो आप लोगों ने देखा. सो अगर पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप में से किसी के घर पे शादी हो रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि लोग अच्छी अच्छी ज्वेलरीज खरीद पाए अमेजोन से जाके, एंड मेरे चैनल को भी सारा प्यार दे पाए. सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट. आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय बाय.